है एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ ये मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है इंडियन गेस्ट मेकअप लुक के लिए। एंड ये रेड कलर का ड्रेस और मरून इस टाइप का ड्रेस में बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड आई होप कि ये मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। उसके साथ में एक छोटी सी नोटिफिकेशन बेल रिंग होगी, उसे भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप कोई भी मिस ना कर पाए। एंड मैंने इस वीडियो पे जितना भी प्रोडक्ट यूज़ किया है सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी, सो आप जरूर चेकअप कर लीजिएगा। एंड आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोनर करूँगी अपने फेस को, और मैं ये गुड वाइब्स रोज ग्लोइंग टोनर यूज़ कर रही हूँ अपनी पूरी फेस को, ताकि ये टोनर से मेरा फेस जितना भी ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए। सो 2-3 मिनट के लिए वेट करूँगी। सो मैंने अप्लाई कर रही है और अच्छी तरह से ड्राई हो गया, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से ग्लो आया है। एंड इसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकती हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी क्रीम, मॉइस्चराइजर क्रीम, एंड कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम है। सो ये मैं अप्लाई करूँगी, ये भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर करिएगा। सो इसे मैं अच्छी तरह से फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइजिंग करूँगी। मेकअप से आगे मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, एंड मैं ले रही हूँ किस ब्यूटी HD स्टूडियो फोटोजन प्राइमर। सो इसे मैं अपनी पूरी फेस पे अप्लाई करूँगी। प्राइमर से आपका स्किन मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, एंड ये स्मूथ इवन आउट करता है, जो कि हमारा फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड आउट हो जाता है। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, एंड आज मैं कोई भी कलर करेक्शन नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा हैवी मेकअप हो जाएगा, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, और ये इसका भी मैंने रिव्यू कर चुकी हूँ, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इसे मैं स्पैचुला से अच्छी तरह से फेस में लगा लूँगी, उसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। सो मैं इस फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अपनी ईयर एंड नेक में लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आप देख सकते हैं इसका ये वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, तो इसीलिए मेरा स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से ग्लोनेस आया है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फाउंडेशन है, और भी डिटेल्स के लिए आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर के लिए मेबलिन फिट मी कंसीलर, मेरा शेड है मीडियम। सो मैं इसे अपनी अंडर आई पर प्लेस कर रही हूँ, अपनी फेस को हाईलाइट करने के लिए, कंसीलिंग के लिए, अपनी नोज सब ब्रिज, क्यूपिड्स बो, चिन पे, एक्चुअली ये थोड़ा ख़त्म हो गया मेरा लगता है मुझे, अपनी आईलेट्स पे भी अप्लाई कर लूँगी, एंड थोड़ी सी फोरहेड में। इसे भी मैं अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। एंड ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, मैंने इसका भी डाल दिया है रिव्यू, एंड आप परचेस कर सकते हो वहाँ पे जाके अगर आपको लेना चाहो तो। ब्रश में बचा कुचा है वो अपनी नेक पे मैं अप्लाई कर दे रही हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं पाउडर के लिए यूज़ कर रही हूँ ADS लग्जरी बनाना पाउडर। सो मैं इसे बेक करूँगी अपनी अंडर आई एरिया पे जहाँ पे मैंने कंसीलर किया था वहीं पर। अपने आईब्रो को फिलअप करने के लिए मोर्फी जैकहिल पैलेट से मैं यूज़ करूँगी ये डार्कर शेड, ये ब्राउनी काइंड ऑफ ब्लैक शेड है। सो मैं इससे अपने आईब्रो को फिलअप करूँगी। अपने आईब्रो को फिलअप करने के लिए
मोर्फी जैकहिल पैलेट से मैं यूज़ करूँगी। ये डार्कर शेड, ये ब्राउनी काइंड ऑफ ब्लैक शेड है, सो मैं इससे अपने आईब्रो को फिलअप करूँगी। है फिलअप एंड मैं जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे रिमूव करूँगी। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी अपनी आई शेडो के लिए। इसमें से मैं ये ऑरेंज शेड यूज़ करूँगी एंड एक राउंड फ्लफी ब्रश की हेल्प से। सो इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे प्लेस करूँगी। अपनी लोअर लैश लाइन को भी थोड़ी सी फिल आउट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ये डार्क रेड शेड एंड इसे मैं अपनी आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूंगी। साथ ही मैं अपनी क्रीज लाइन पे भी डेफिनेशन लुक दूंगी। इसे मैं थोड़ी सी लोअर लैश लाइन पे भी फिल करूंगी। फ्लफी ब्रश से इससे भी अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन वगैरह ना दिखे। सो नेक्स्ट कलर मैं अप्लाई करूंगी वो ये रेड काइंड ऑफ ब्राउनी शेड है। सो इसे मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे थोड़ी सी डार्कर स्मोकी लुक दिखने के लिए एंड सेम पेंसिल ब्रश के हेल्प से कर रही हूँ। इसे थोड़ी सी अप्लाई करके एंड थोड़ी सी ब्लैक को भी टच आउट कर लूंगी थोड़ी डार्कर के लिए। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी अपनी आईलिड्स पे एंड ये गोल्डन ही शेड में अप्लाई कर रही हूँ, गोल्डन ही शिमरी शेड जो कि मेरा ड्रेस से मैच हो जाए। एंड इसे मैं ओनली अपनी आईलेट से फिलअप कर रही हूँ एंड फिंगर के हेल्प से, क्योंकि इस टाइप का कलर ब्रश से पिकअप नहीं होता है, सो इसलिए मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो देन मैं अप्लाई करूँगी इसे अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स आउट हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर और मैं यहाँ से यही सेम यूज़ कर रही हूँ अपने ब्रो बोन को शाइनी लुक करने के लिए। सो इस टाइम मैं अप्लाई करूँगी अपने ब्रो बोन को एंड थोड़ी सी इनर कॉर्नर को भी ताकि मेरा आईज अच्छी तरह से पॉप आउट हो के आए। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल एंड मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA का काजल। इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन पे लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हिलारी रोडा का पेंसिल लाइनर। इसे मैं थोड़ी सी लाइन करूँगी अपने आईलिड्स पे। मैं कुछ भी इसमें आईलाइनर क्रिएट नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी लाइन कर रही हूँ ताकि मैं फॉल्सेस लगाऊँ तब आईलिड्स में दिखे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी फॉल लैसेस लगाऊँगी ऑफ कैमरा पे। फॉल्सेस से पहले मैं थोड़ी सी अपनी फेस को ब्रॉन्जर करूँगी और उसमें से ही मैं ये ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ।
नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्लश एंड मैं यहाँ पे ये पिंक शेड में यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर एंड इसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हाइलाइटर एंड इसमें से मैं ये शेड अप्लाई करूंगी अपने चिक्स बोन पे, फोरहेड पे, थोड़े से नोज पे, नोज से हैंड से मैं अप्लाई करूंगी। क्यूपिड्स बो कर ली है, देन मैं अप्लाई करूंगी ADS का पेंसिल, लिप लाइनर पेंसिल। नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए यूज कर रही हूँ NYBA का। मेरा शेड नेम है नंबर 28 है, सो मैं ये यूज कर रही हूँ। ये थोड़ी सी डार्कर रेड कलर है। ये लिपस्टिक में मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, आपको चाहिए तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो मेकअप को कंप्लीट करने के लिए आप कोई भी अपने जो भी है आपके पास है वो सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ईयर रिंग्स एंड ये कुछ इस टाइप का है।